हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सताक्षी शर्मा। हे गाइस, दिस इज सत्यम दीक्षित। टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट नाउन। देखिए, ये नाउन्स के एग्जांपल हैं। जैसा कि आपको पता है, नाउन की डेफिनेशन हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, एनिमेशन था वैसे तो। A noun is a person, place or thing. ये तो देखो फ्रेंड्स, a noun is a person, place or thing। देखो अब इनसे ये देखो, आर्ट, बेड, बास्केट, ये ऑल थिंग्स, दीज आर नाउन। और फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको डेफिनेशन बताई है, ये सबसे इजी डेफिनेशन है। अगर आपकी मैम बोल सकती हैं कि आप कोई भी लिख सकते हैं, तो आप ये ज़रूर लिखें, वरना आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अ नाउन इज अ पर्सन। देखो फ्रेंड्स, ये जो है अब पर्सन है ये, तो दैट मीन्स दे बोथ आर नाउन। ये जो है फ्रेंड्स, ये प्लेसेस हैं, तो दैट मीन्स दे बोथ आर नाउन। ये जो है, ये थिंग्स हैं, दैट मीन्स दे ऑल आर नाउन। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज नाउन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ नाउन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता, तो हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हर चीज़ नाउन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल हैं क्वेश्चन के, जो कि आपके पेपर में तो ज़रूर ही आएंगे। हमारे में तो आएंगे, पर आपके में भी ज़रूर आएंगे। तो देखिए, पहला एग्जांपल है, द गर्ल वोर अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। तो इसमें से कौन से दो नाउन है, बताइए जल्दी से कमेंट करके फ्रेंड्स, हमें बताओ। सेकंड है, एमिली वांट्स टू विजिट कनाडा। थर्ड है, हिना वेंट टू स्कूल यस्टरडे। एंड फोर्थ, दिल्ली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके तो बता ही दिया होगा। अब हम आंसर्स देखते हैं। ये देखिए, आंसर शीट है। ये है गर्ल और फ्रॉक। देखो फ्रेंड, द गर्ल वोर अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। एक तो एक गर्ल हो गई नाउन, जैसा कि हम आपको बताया था, और एक फ्रॉक। और देखो फ्रेंड्स, गर्ल जो है वो एक पर्सन है, फ्रॉक जो है वो एक थिंग है। ऐसे ही एमिली एक पर्सन है, कैनेडा एक प्लेस है, हिना एक पर्सन है, स्कूल एक प्लेस है, दिल्ली एक प्लेस है, सिटी एक प्लेस है। आप स्क्रीनशॉट लेके और भी समझ सकते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इन जनरल। देखो फ्रेंड्स, अब ये गर्ल है, अब हमें इसका नेम तो नहीं पता, पर हमें ओनली ये पता है ये गर्ल है। ये पेन है, अब हमें प्रॉपरली नहीं पता है कि ये कौन सा पेन है, फाउंटेन पेन है, बॉल पेन है, जेल पेन है, बट इतना पता है पेन है। देखो फ्रेंड्स, ये डॉग है, हमें ये नहीं पता किस कैटेगरी का डॉग है, इसका नेम नहीं पता, कैट, बस इतना पता है ये कैट है, बट हमें इसके बारे में वो प्रॉपर नहीं पता। तो दैट मीन्स ये एक कॉमन नाउन, ये कॉमन चीज़ है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, जिसका हमें नाम पता और सब कुछ पता होता है, जैसे कि द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये पर फ्रेंड्स बहुत इजी है, अगर कोई भी नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो आपको समझ जाना है वो कौन सा नाउन है। जल्दी बताओ, प्रॉपर नाउन। तो देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं एनिमल, जैसे लॉयन, बैट, ये सब हमें पता होता है इनके बारे में, सब ये कहाँ मिलते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये इसके एग्जांपल हैं। ये लड़की है, रिया, अब हमें पता है ये ही है रिया, तो दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। फ्रेंड्स देखो, ये है ताजमहल, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। हमें इसके बारे में सब पता है, जैसे कि ये कहाँ है, आगरा में। और ये देखो फ्रेंड्स, ये बनाना है, ये मैंगो है। अगर हमें इसमें कॉमन नाउन ढूंढना होता, तो हम केवल लिखते इसमें फ्रूट्स, पर हमें इसमें प्रॉपरली पता है कि ये बनाना है और ये मैंगो है। तो ये हुए प्रॉपर नाउन्स। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक ग्रुप को, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक टाइप, तो इसको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब इसके एग्जाम्पल्स दिखाते हैं हम। ये देखो फ्रेंड्स, आर्मी सोल्जर्स, देखिए कई सारे हैं, इनके नाम तो नहीं पता हमें, फिर भी कई सारे, इसलिए ग्रुप है ये, ग्रुप इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन है। अगला, ये देखो फ्रेंड्स, ज्यूरी, आप जानते होंगे ज्यूरी बैठती है कोर्ट्स में, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो एक ग्रुप है। अगला, कंक्रीट नाउन, चलो
दैट कैन बी आइडेंटिफाई बाई आवर फाइव सेंटेंसेस सेंसेस इट कैन बी कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव काउंटेबल इनकाउंटेबल नाउंस। देखो फ्रेंड्स, ये आइडेंटिफाई मतलब अभी हमने जितना भी पढ़ा, ये अगर उनमें से वो नहीं है तो ये होता है कंक्रीट नाउन। ये काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। इसके एग्जांपल बताते हैं हम आपको अभी। जैसे देखो फ्रेंड्स, पिज्ज़ा हमें प्रॉपरली पता है ये पिज़्ज़ा है, कॉमनली भी पता है ये पिज़्ज़ा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ कंक्रीट नाउन। अगला एग्जांपल, बॉल, डॉग, ये सब क्या है फ्रेंड्स? कंक्रीट नाउन। लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम, आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग्स, दे कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट थ्रू सेंसेस। फ्रेंड्स, इसको हम कॉमनली में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आप समझ गए होंगे, अब हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। भाववाचक संज्ञा फीलिंग्स, जिनको हम छू नहीं सकते। देखो फ्रेंड्स, ये इसके एग्जांपल हैं इनकी। हम देखिए, ये तो आपको पता ही होंगे, ब्रेवरी, सेकंड गुडनेस, थर्ड ऑनेस्टी, फोर्थ पीस। ये सब फ्रेंड्स फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज हैं, बट ये कोई थिंग नहीं है। जैसे कई लोग सोचते हैं हम ब्रेव हैं, गुड हैं। अब देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड कमेंट।